के महोबा जनपद में ग्रामीण जनता ने अपने ही गांव के प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिलाधिकारी से मुलाकात कर बरभौली गांव की जनता ने प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जनपद महोबा के कबरे विकास खंड में आने वाले बरभौली गांव की जनता ने ग्राम प्रधान के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ग्रामीणों ने प्रधान पर गौशाला के नाम पर आए रुपए हड़पने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी महोबा अवधेश तिवारी से मुलाकात कर ग्रामीणों ने मामले की जांच गहनता से साथ कराने जाने की मांग की। सर जी, हम महोबा जिला से बरभौली गांव से आए हुए हैं। इस समय अन्ना जानवरों के कारण सारे किसान परेशान हैं और गांव के प्रधान ने 3 लाख रुपए लेने के बाद भी आज तक 1 रुपए का काम नहीं करवाया। सारे किसान परेशान होकर के हाहाकार मचाते हुए जी हम साहब के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम सर जी चाहते हैं जो 3 लाख रुपया पहुंचा हुआ है उसका आज तक काम नहीं हुआ। इस कारण से हम परेशान होकर आए कि आखिर वो रुपया है कहाँ। ये समाज का जो रुपया है तो प्रधान ही खा गया, ये समाज के काम में क्यों नहीं आ रहा है, इसकी ख्वाहिश करने के लिए हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ पधारे हैं। बरभौली ग्राम में आज तक कई किस्तें पहुंची लेकिन आज तक गौशाला का कोई निर्माण नहीं हुआ। हवा हवाई की बातें करके धरातल में काम नहीं हुआ। किसान परेशान हो गया, बुआई चालू हो गई, मटर मसूर और लाही चना वगैरह बोने लगा। अन्ना जानवरों से परेशान होकर किसान डीएम साहब की चौखट में आना पड़ा। तो जब गौशाला कब नहीं बनी? बिल्कुल जी बिल्कुल निर्माण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसमें कौन उत्तरदायी है? इसमें प्रधान कहो या डीएम साहब, प्रधान के ऊपर बैठ हो, प्रधान का की कमी है या अधिकारियों की कमी है कि बंदरबाट हो गया पैसे का। कितने पैसे का हुआ लगभग बंदरबाट? लगभग 3 किस्तें, 3 ही किस्तें पहुंची हैं, 1-1 लाख और 3 लाख लगभग समथम रुपया पहुंचा वहाँ। और 3 लाख में अभी तक कोई भी कार्रवाई तक नहीं हुई। कितने दिन हो गए इसको पहुंचे, मतलब ये चेक प्रक्रिया कितने दिन पहले हो चुकी थी? चेक प्रक्रिया लगभग 2 महीने पहले गई है।